दुनिया में कोई शख्स कोई एहसान कर दे, मुसीबत के वक्त में पैसा दे दे, उधार दे दे, कहीं कोई काम फंसा हो काम निकलवा दे, तो बंदा सारी जिंदगी उसका शुक्रिया अदा करके नहीं सकता कि मेरी मुसीबत में मदद की थी। और होना भी यही चाहिए कि बंदे को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, बंदे को नमक हलाल होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। लेकिन अब ये देखिए कि हम लोगों को राजी करने में लगे, हम ये सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप नाराज ना हो, मेरा भाई नाराज ना हो, मेरा दोस्त नाराज ना हो, मेरा बॉस नाराज ना हो, जिसके बाद में काम करता हूँ वो नाराज ना हो, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मेरा अल्लाह नाराज ना हो, मैं ये नहीं सोचता कि अल्लाह तबारक वताला ने कितने एहसान मुझ पे किए हैं, कितने नवाजिश हैं, कितने इनामात किए हैं, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक वताला की हम नाफरमानी करते हैं, अल्लाह अपनी नेमतों को रोक लेता। अभी हमने वाकयात सुने हैं, बनी इसराइल के वाकयात सुने हैं, अल्लाह तबारक वताला की वो नाफरमानी करते थे, अल्लाह अपनी नेमत को रोक लेता था, खाना रोक लेता था, पीना रोक लेता था, लेकिन उम्मत मोहम्मदी पर अल्लाह का एहसान देखिए कि बंदा नाफरमानी नहीं कर रहा है, उसी की दी हुई चीजें उसी की नाफरमानी में खर्च भी कर रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक वताला फिर भी अपने इनामात को नहीं रोक रहा, अपने एहसानात को नहीं रोक रहा। होना यही चाहिए था कि हम आंखों के हराम देखते तो हमारी आंखें ले ली जाती, अंधे हो जाते, हम जबान गुनाह वाली बात करते तो हमारी जबान ले ली जाती कि ये तो मेरी दी हुई जबान पे मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरे दिए हुए कान से मेरी नाफरमानी वाली बातें सुन रहा है, मेरे दिए हुए हाथों से मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरे ही बंदों पर जुल्म कर रहा है, मेरे ही बंदों को डरा रहा है, धमका रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सब कुछ छीन लिया जा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक वताला की नफरत देखिए गुनाहगारों पर कितनी है, कितना मेहरबान है मेरा रब, गुनाहगारों पर भी अपने एहसान कर रहा है। इस कर्म का करो शुक्र कैसे अदा।